Hey there, this is Ranjit Ranjan. So today we will be solving code forces round 760 diff 3 problem A, polycarp and sums of subsequences. So इस problem में basically हमें निकालने हैं तीन positive integers कह रहे हैं और हमें given होगा उसका subsequences का sum. तीन अगर possible मतलब तीन integers अगर है तो possible subsequences 7 है, तो वो सारे सेवन सब सिक्वेंसेज का हमें सम प्रेजेंट दिया जाएगा उस एरे में, वो भी शॉर्टेड मैनर में देगा. तो हमें बताना होगा मतलब वो तीन वैल्यूज़ क्या क्या हैं. ठीक है, वो तीन वैल्यू जो पॉसिबल होंगी उन्हें आउटपुट कराना है. ठीक, तो हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं. बेसिकली प्रॉब्लम में ज़्यादा कुछ है नहीं, हमें सिंपली तीन ऐसे नंबर्स ढूंढने होंगे, ट्रिपलेट्स ऐसे ढूंढने होंगे जिनका सम रिजल्ट करे लास्ट एलिमेंट को. वो क्यों मैं बोल रहा हूँ दिखाता हूँ आपको अभी. ठीक है, लाइक एग्जांपल यही ले लेते हैं इन्हीं सब सीक्वेंसेस का, 1 3 4 4 5 7 8, 5 7 10 8. ओके, तो जैसे कि 8 हमारा है सारे एलिमेंट्स का सम है, मतलब सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द एरे है बेसिकली ये. तो हमारे पास एस ले लेते हैं, लेट्स से एस ये हो गया, ये तीनों एलिमेंट का सम होगा बेसिकली. तीन ही एलिमेंट है जो एक्चुअल एरे से ये ऑप्टेन हो रहा है, और हमें ऑप्टेन करना है वो बाकी तीन एलिमेंट. तो इसमें वो बाकी तीन एलिमेंट वही तीन ट्रिपलेट्स होंगे जो रिजल्टेंट सम ये फॉर्म करेगा. सिंस ये हमारा साइज 7 का है तो हम एनक्यू एल्गोरिथम लगा सकते हैं आराम से ट्रिपलेट फाइंड करने में. हम पहले 1 को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, देन सर्च हम करें, फिर लेट से आई अगर हम एक पॉइंटर ले लेते हैं, एक आई पॉइंटर से 1 पे पॉइंट कर लेंगे और एक आई प्लस 1 पे पॉइंट करेगा और एक जे प्लस 1 पे बेसिकली. ठीक, और हम इन ट्रिपलेट्स का सम कंप्यूट करेंगे, अगर नहीं मिलता तो के को आगे बढ़ाएंगे, अगर के एग्जॉस्ट हो जाता है तो हम जे को आगे बढ़ाएंगे और फिर से चालू करेंगे. सिंपली हमें ट्रिपलेट्स फाइंड करने थे ऐसे जिनका सम हमारा रिजल्टेंट एस के बराबर हो. ओके, इसी को कोड करना था बेसिकली, देख लेते हैं कोड. सो जैसे मैंने बोला कि आप चलो ठीक है, जो 7 था तो मैं लाइक अगर हमें एक आगे जाना है तो आगे का वैल्यूज हमारा जैसे थर्ड वाला ट्रिपलेट अगर जैसे जाएगा तो के तो दो आगे है ना, तो दो आगे रहने के लिए हमें आई को लाइक 5 पे ही एंड करना पड़ेगा, विच इज़ बेसिकली 7 माइनस 2, डेट इज़ 5. ठीक है, 5 पे आई एंड हो जाएगा. कंडीशनल लूप का हमारा कहाँ तक चलेगा, आई हमारा 5 तक जाएगा, जे 6 तक, एंड के साइमल्टेनियसली हमारा जाएगा 7 तक. ठीक है, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है, नो नो नो, दिस विल बी 1 बेस्ड इंडेक्सिंग. 7 एलिमेंट्स थे तो 1 बेस्ड इंडेक्सिंग में 7 तक जाएगा. ठीक है, एंड देन हमें कंप्यूट करना है, सिंपली मैच कराएंगे हम, अगर हमारा लास्ट एलिमेंट है विच इज़ सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स अगर वो मैच करता है देन हमें वही हमारे लिए वही आंसर हो जाएगा और हम ब्रेकआउट कर जाएंगे. ठीक है, दैट्स ऑल. अगर इसमें कोई डाउट हो फर्दर तो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट. दैट्स all from my side now. Thank you for watching.